कानपुर के एक लड़के ने जब गर्लफ्रेंड ने उसे मोटा कहकर बुलाया तो सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के अंदर ही 45 किलो वजन कम करके अपने सिक्स एब्स बाहर कर लिए। जी हाँ दोस्तों, कानपुर के रहने वाले अर्जुन ने बताया, मैं जब स्कूल में था तब से ही मेरा वजन बढ़ना शुरू हो गया था। मैं जब भी कोई स्पोर्ट एक्टिविटी में हिस्सा लेता था तो मेरा मजाक बनाया जाता था। लोग मेरे चेस्ट का मजाक उड़ाते थे और बाहर निकले हुए पेट के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। मुझे फुटबॉल खेलने का काफी शौक था, तो एक बार मैं चेस्ट पर क्रैप बैंडेज बांध कर गया था ताकि भागते हुए चेस्ट का फैट स्थिर रहे और लोग मेरा मजाक ना बनाए। यानी कि यह कह सकते हैं कि मैंने अपनी स्कूल लाइफ को बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। इसके बाद जैसे ही मैं 12वीं क्लास में आया तो मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी। मैं ढीली टी शर्ट पहना करता था क्योंकि उसमें मेरा फैट नहीं दिखता था, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद उसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मुझे कहा, लड़के शर्ट में काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं जानता था कि शर्ट में मेरा फैट काफ़ी अधिक दिखता था, इसलिए मैं कभी शर्ट नहीं पहनता था, अर्जुन ने आगे कहा। इसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे धीरे धीरे बात बंद कर दी और किसी और को डेट करना शुरू कर दिया। उस दिन मानो मैं टूट सा गया। बस यही मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का पहला दिन था, क्योंकि मैं यह सोच चुका था कि मुझे अब अपने आप को फिट करना ही है। मैंने पहले दिन जिम में मात्र 17 मिनट बिताए थे और उसके बाद मेरे ऊपर एक जुनून सा सवार हो गया था। मैंने फिटनेस के बारे में जानकारियां जुटानी शुरू की और फिर एक कोच एनरोल किया। फिर धीरे धीरे मेरा वजन कम होता गया और 1.5 साल में मैं 104 किलो से 59 केजी तक आ गया। इसके बाद मैंने कुछ मसल्स बढ़ाया तो मेरा वेट 61 से 62 किलो हो गया। वही अर्जुन ने बताया अपने डाइट के बारे में कि मेरे कोच ने मुझे काफ़ी सिंपल डाइट दी थी जिसे मैं फॉलो करता था। मैं सुबह उठकर ब्लैक कॉफ़ी पीता था और फिर एक्सरसाइज करता था। मैं अपने प्रोटीन की कमी को सोया चंक से पूरा करता था। मैं सोया चंक को पीस कर उसके आटे में बनी हुई रोटी खाता था, इसलिए मेरी प्रोटीन की कमी भी पूरी होती थी। सोया चंक की रोटी के साथ मैं पनीर भुजिया खाता था। इसके बाद शाम को एक स्कूप प्रोटीन शेक और रात में फिर से लंच को रिपीट करते रहता था। थोड़ी बहुत हरी सब्जियां भी डाइट में शामिल होती थी। इसके अलावा मैंने कोई फैंसी डाइट को फॉलो नहीं किया और मेरा वजन कम हो गया। वही उन्होंने बताया कि जब मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की थी तब लॉकडाउन हो गया था। मेरे पास 2.5 और 5 किलो के डंबल थे जिससे मैं एक्सरसाइज करता था घर पर ही। एक्सरसाइज करने के लिए घर में एक पुरानी बेंच पर लेटकर भी कुछ एक्सरसाइज करता था। इसके अलावा रोप जंप, जंपिंग जैक, बॉडी वेट स्क्वाट जैसी एक्सरसाइज भी वर्कआउट रूटीन में शामिल थी। दिन में कम से कम 10,000 स्टेप्स चलने का उन्होंने टारगेट अपने आप को दिया था जिसे वह रात तक पूरा ही कर लेते थे। वही सर्टिफाइड फिटनेस कोच अर्जुन ने बताया कि मैंने अपनी जर्नी के दौरान कोई फिटनेस लॉस फॉलो नहीं किया। कई लोग कहते हैं कि दिन में 5 से 6 बार खाओ, पेट भरकर हरी सब्जियां खाओ और अपने अपने सोच के मुताबिक बताते हैं, लेकिन मैंने इनमें से किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं किया। मेरा सिंपल रूल रहा, खाओ कम और बर्न ज़्यादा करो। बस इसी तरह से मुझे वजन कम करने में मदद मिल गई। जहां पहले लोग मेरी बात सुनते भी नहीं थे, आज वो मेरी बात में मेरे वजन को देखते हैं और लोग मुझे पूरी तरीके से सुनते भी हैं और मानते भी हैं। फिट होने के लिए किसी मोटिवेशन का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, आपको पहला ही दिन अपना मोटिवेशन ही लगना चाहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, आपको ऐसे ही अटपटी और चटपटी खबरें हम लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।